एम्फेसिस का इंटरव्यू था। अब उस इंटरव्यू में काफ़ी सारी चीज़ें पूछी उन लोगों ने, तो 10-12 मेन मेन जो क्वेश्चंस थे वो मैं शेयर कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन आया था कि मैंने कौन कौन से वर्जन्स पे काम किया, एंगुलर पे और रिएक्ट जेएस पे। तो बता दिया था मैंने एंगुलर पे 11 के बाद काम नहीं किया, और 16.8 ऑनवर्ड्स मैंने रिएक्ट पे काम करना चालू किया, और अभी जो 18.2 चल रहा है उस पर ही काम किया है मैंने। और फिर उसके बाद मैं पूछा कि इफ़ क्लाइंट आस्क मी टू चूज़ डिफरेंट फ्रेमवर्क, तो मैं बोला ठीक है, वो फ्रेमवर्क वो जो भी कहेगा तो काम कर लेंगे। क्योंकि उन्होंने बोला अच्छा आउटसाइड रिएक्ट कि रिएक्ट पे नहीं बोल रहा है, तो फिर मैं बोला भाई रिएक्ट पे नहीं बोल रहा है तो जिस पे भी हमारा सॉल्यूशन फिट बैठेगा उसको ले लेंगे। बिकॉज जितना भी फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है या जो भी आपका लैंग्वेज है, वो सॉल्यूशन का पार्ट हो सकता है बट सॉल्यूशन उस पर डिपेंड नहीं होता। सॉल्यूशन कैन बी एनीथिंग, वो किसी पे भी लिखा जा सकता है। और फिर उसके बाद पूछा व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग, वो डिफरेंस बता दिए। फिर उन्होंने बोला कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन विल बी वर्क ऑन CSR एंड SSR, तो मैं बता दिया CSR के लिए अगर आपको करना है तो चल जाएगा, सिंगल पेज एप्लीकेशंस चल जाती हैं। और सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए आपको पेजेस मिल जाते हैं जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हैंडी होती हैं। फिर वो पूछा था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो फ्रंट एंड एंड वेब कंपोनेंट्स, तो वो बता दिया था। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट मल्टी डायमेंशनल एरे सर्च पूछा था, तो वो बताया। फिर वो कहते कि इसे और कैसे भी करते हैं, जो मैप और फिल्टर और वो सब लगा के करते हैं हम लोग, तो कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर फिर एक एरे है ऑब्जेक्ट, तो कह रहे थे कि एन नंबर तक है। तो वो मैं बोला भाई मेरे को भी ध्यान नहीं है ये कैसे सर्च होता है, हम यूजुअली फ्लैट करके सर्च कर देते हैं। तो उसने पूछा कि अच्छा व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट लिटरल एंड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, तो ये एक ही सेंटेंस में बोल दिया था उन्होंने पता नहीं क्यों। तो फिर मैं बता दिया था ऑब्जेक्ट लिटरल और इनका स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का, कि ऑब्जेक्ट लिटरल तो कर्ली ब्रेसेस जब आप लगा देते हो वो बन जाता है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन वो आजकल ये टिल्ट साइन लगाते हैं ना ये कीबोर्ड का, तो टिल्ट के नीचे जो रहता है ये, तो ये वाला नाम होता है इसका टिल्डा या इसके सिंबल का नाम बताना यार क्या होता है भूल गए, तो ये अपोस्ट्रोफी सिंगल अपोस्ट्रोफी जैसा जाता है। तो इसके बाद उधर बोला कोड कवरेज कैसे इंश्योर करोगे, तो बता दिया था फिर कि भाई सारे फंक्शन का यूनिट टेस्ट केस लिख दो, हो गई कोड कवरेज, क्वालिटी गेट्स लगा देंगे। खैर RWA PWA का डिफरेंस पूछ रहा था, तो RWA का डिफरेंस तो वो ये रेस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन जो होगी, वेब ऐप होगी या फिर प्रोग्रेसिव वेब ऐप, तो इनमें क्या डिफरेंस होगा। तो बता दिया था कि भाई रेस्पॉन्सिव वेब ऐप जो है वो डिवाइस ओरिएंटेड है, PWA जो है ये ऑफलाइन ब्राउजिंग भी सपोर्ट करती है और मोबाइल डिवाइसेस पे इंस्टॉल भी हो जाती है, इंस्टॉल तो नहीं होती बट इंस्टॉल जैसी फीलिंग दे देती है, और काफ़ी सारे एसेट्स वगैरह हम लोग इनमें टारगेट कर सकते हैं PWA में। RWA में भी कर लेते हैं बट ठीक है, इसमें ऑफलाइन ब्राउजिंग का काफ़ी ज़्यादा हमें स्कोप मिलता है PWA में, और वेब कैशे दबा के यूज़ होती है। तो फिर उसके बाद वो सैलरी नेगोशिएशंस पे आ गए थे, फिर बाकी चीज़ें हुई और इंटरव्यू अच्छा गया था, बट ठीक है एम्फेसिस यार, बट मेरे को उम्मीद भी नहीं थी इनकी तरफ से हाँ आएगी, वे पैसे वैसे देते नहीं हैं, भगा और देते हैं, और बेंच पे तो ये सैलरी भी कम कर देते हैं। अगर तुम पूल पे चले गए ना इनके यहाँ, तो अब का तो पता नहीं पर जब तक का मेरे को पता है तो पुराने टाइम पे, क्योंकि माइंडट्री के सामने ही थी ये कंपनी ना एम्फेसिस, तो वहाँ पे मिलते थे काफ़ी लोग, तो बताते थे कह रहे यार सैलरी कम हो जाती है, बहुत बार बिक चुकी है कंपनी, तो कोई कोई ऑप्शन नहीं है तो ही जाना इसमें, अगर ऑप्शन है तुम्हारे पे दो तीन है तो इससे डिच कर देना। अब लास्ट टाइम HP था, ब्लैक स्टोन रन कर रहा है, पता नहीं फिर कौन, ये हर 2 साल में 3-4 तो बदल ही लेती है जगह अपने, कई बार स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, कई बार पूरी कंपनी बिक जाती है, तो बट ठीक है चल रही है, अपना इंडियन ब्रांड है चले जा रहा है, वाली बात है।
और इसमें ज़्यादा उम्मीद तो थी नहीं, आ गया था मेरे को रिजेक्शन का मेल थोड़ी देर बाद। अपना ठीक है जाए, वैसे भी कौन सा ज्वाइन ही करना था इसे, बट थोड़ा सा रहता है कि हाँ करते रहो तो फिर तुम्हें क्वेश्चंस पता चल जाते हैं क्या पूछने जा रहा है कोई। सिर्फ उसी पर्पज़ से दिया था और तो कोई पर्पज़ था नहीं। ठीक है फिर जैसा भी अगला इंटरव्यू होगा बताता हूँ। कल एक इंटरव्यू है जोरियंट का है, तो देखता हूँ जोरियंट का इंटरव्यू होगा तो फिर कल जोरियंट का डालता हूँ क्या पूछते हैं वो।